లింక్ సెండ్ చేస్తావా? అలాగ బ్యాల్ బీ సైడ్ రా, బీ సైడ్ రా. इस मैच को विन कर रहे हैं, नेक्स्ट मैच को सेमी से क्वार्टर टुडे, आज को क्वार्टर कैप्टन हेलो कैप्टन जय पटना जी के बेलोर बागी दिला हाँ वर्म गार कत्त कोलता करो अरे राम बाबू बाबू मरे तुम बोल रखो और बैठ रखो जो ओए बैठ रख रहे बाबू कैप्टन रायगढ़ा ये करने को ये रूम पर राम पर तो मैं तो आई लोग फूड पे जाऊंगा अरे दिख रही है ना उसकी क्या आराम है मैच प्लेन पंद्रह ऊपर समर प्ले सभी पहनात अबे लोगों को तू इतने कर बोलवा दी तो तू Thank you.
भगवान हेलो 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 प्रथम ओवर प्रथम बल को रक्षात्मक भागी देखे कौन सी रन ना प्रथम बैटिंग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रथम ओवर तृतीय बॉल नहीं दिले जे बोलिंग जादे होते तो जान हाथी बोल हां दुईटा जे ए बॉलटी को मध्य सुंदर भाबर उठे मार छती एवं द्वितीय छक्का एति मध्य रे अंपायर को निर्देश आसी द्वितीय छक्का प्रथम ओवर रे आक्रमण तुमको बैटिंग रो नमूना प्रदर्शन कर छती बैट्समैन सुंदर स्टार्ट कट फिल्डर गोटे रन संग्रह कर प्रथम ओवर खेल जारी रही बोलिंग जारी रखी रायगढ़ दल डा हाथी बोलर विश्वजीत परवर्त बल उठे मारी बल टी सीधा जाए सीमार बाहर को निर्देश
निश्चित भाव में प्रथम ओवर जयपटना दल आक्रमणात्मक बैटिंग नमूना प्रदर्शन करजर खाता इतिम्य खोल बैट्समैन प्रथम छक्का राजा परवर्त बल को लंबन अंचल घूरे मारी सीधा सीमा रेखा बाहर को बल चली जा चारि रन अंपायर निर्देश चारि रन निश्चित भाव में प्रथम ओवर मोहम्मद सब्यस्त हो रायगढ़ दल तेईस रन संग्रह कर जयपटना दल प्रथम बैटिंग करी घनिष्ठ स्मारकी आंतजिला क्रिकेट टूर्णामेंट आज यही दुई दल रायगढ़ जयपटना कलाहांडी जिलार जयपटना एवं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य मैच धीरे धीरे स्टेडियम दर्शक मान संख्या बढ़िवार लगी जयपटना दल जी घर दल भाव परिगणित करेतु से कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ही प्रतिनिधित्व कर रायगढ़ दल घर पड़िया कि प्रदर्शन कर देखा दर्शक मान्य उत्कंठा बढ़िवे लगी प्रथम ओवर रु जयपटना दल चमत्कार खेल प्रदर्शन कर दल पक्ष द्वितीय ओवर बोलिंग नहीं बोलर बैट्समैन लिलु द्वितीय ओवर प्रथम बल बिले डाणा हाथी निश्चित भाव जयपटना दल प्रथम रुई एक विशाल स्कोर को आख्या कर रखी दुई ओपनिंग बैट्समैन भार दे बोधुए से ढंग से बैटिंग जारी रखी दुई बैट्समैन वर्तमान सुधा जोरदार लड़े रायगढ़ दल बोलिंग जारी रखी सामने जयपटना दुई ओपनिंग बैट्समैन वर्तमान सुधा सुरक्षित एवं द्रुत गति रन संग्रह कर लगी परवर्ती बल विलेज एंड्रू ओवर दि विकेट डाण हाथी बोलर एपटी को खेली रही लंगन अंचल छाड़मान अंचल को फिल्डिंग फेर पूर्व गोटे रन स्वतंत्रता सहित संग्रह कर बैट्समैन दलय स्कोर तीस रन पहुंची जावर्त बल द्वितीय ओवर रवर्त बल नहीं बोलिंग जारी रखी बोलर रक्षात्मक भंगी खेल कौन रन ना फिल्डिंग फेर पूर्व कौन चेस्टा भी करट्समैन रन नाटी सर्कल भरपूर फायदा नहीं दुई प्रारंभिक बैट्समैन जयपटना दल द्वितीय ओवर परवर्त बल सुंदर भाव रेकर्ड कर फिल्डिंग फेर पूर्व चपनता सहित द्रुत गति आउ एक रन संग्रह हो दलय स्कोर एक रन में पहुंची जा प्रथम बैटिंग करी जयपटना दल आंत जिला क्रिकेट टूर्णामेंट कनिष्ठ स्मारती क्रिकेट टूर्णामेंट रही क्वार्टर लीग मैच रायगढ़ एवं जयपटना मध्य प्रथम टॉस विन कर जयपटना बैटिंग करपत्ति नहीं रायगढ़ दल बोलिंग जारी रखी द्वितीय ओवर बोलिंग जारी रखी ए बल्टी को कट करते कि सीधा फिल्डर का हाथ को बल्टी जा रन नाई ये ओवर परिसमाप्ति द्वितीय ओवर खेल परिसमाप्ति सीधा दल स्कोर एक रन कौन विकेट न हर सुंदर प्रारंभिक क्या एम पी आ गया।
प्रारंभिक भाव में दुई ब्याट्समैन सुंदर पार्टनरशिप दल जय पटना दल एवं रायगढ़ दल दुई टाणुआ दल मध्य सामना सामना आज ये मैच जय पटना एवं रायगढ़ खिलाड़ी मान मध्य किसी विचार विमर्श किसी समय पर खेल को बाधा प्राप्त करते कह रखे कि मु कुमुद दास आपण मान पाखे बहु विलंबर पहुंची से प्रथम मु क्षमा प्रार्थना मागुची कांगुलझर क्रिकेट आसोसीएसन तरफ से बहु कार्यव्यवस्था भितर आपण मान भल पाइबा सहानुभूति ही मत पुणे द्वितीय थर पर आर थरिक आसती आंत ब्लॉक क्रिकेट टूर्नामेंट चलता कि आंत जिला बहुत खुशी लगुती जो भाई भाव में पिश्रम कर कांदुलझर क्रिकेट आसोसीएसन टूर्नामेंट टी एपर्त जीवित रखी से प्रथम धन्यवाद देवी समस्त कार्यकर्ता मान आगामी दिन में सहयोग कामना करी बड़ भाई मान पाखु से सहयोग ही टूर्नामेंट को आग को नेब समस्त इतिम्य रायगढ़ दल तरफ तृतीय ओवर बोलिंग नहीं आलय विश्वजित प्रथम गोटार द्वितीय ओवर सुंदर भाव उठे मारी निर्देश आंपायर कौशल द्वारा जयपटना दल सुंदर आरंभ कर प्रथम बैटिंग करपत्ति दुई बैट्समैन जो ढंग से बैटिंग जारी रखिंट निश्चित भाव एक बड़ स्कोर देखा आज एक बड़ बिग फाइट मैच देखा दर्शक मान उत्कंठा निश्चित भाव दुई टाणुआ दल रायगढ़ एवं जयपटना एक क्वार्टर लीग रे प्रथम बैटिंग करपत्ति जयपटना दल सुंदर आरंभ कर दल तरफ तृतीय ओवर नहीं परवर्त हो रक्षात्मक भंगी ने खेली तत्पुरता सहित द्रुत गति एक रन संग्रह कर बैट्समैन बहुत सुंदर बैटिंग नमूना प्रदर्शन दुई बैट्समैन द्वारा विलेज एंड्रु परवर्ती बल रक्षात्मक भंगी ने खेली सीधा फिल्डर पाखक बल जा फिल्डिंग फेरी बोलर पाखक कौन रन ना रायगढ़ दल टी बोलिंग जारी रखी जयपटना दल दुई प्रारंभिक बैट्समैन कट कर सीधा सीमार बाहर को चली जाती बल्टी चारि रन निर्देशन पैर कौशल द्वारा द्रुत गति रन आग को जा पहुंची जाती जय स्कोर बहुत सुंदर बैटिंग उठे मारे चेस्टा करते कि संपूर्ण भाव में विफल होती हल्का सा अपील करते विकेट कीपर कौन प्रभाव पड़ी अंपायर कौशल बहु अभिज्ञपूर्ण अंपायर कौशल जुआर परवर्ती बल विलेज एंड्रू सीधा फिल्डर पाखक पल्टी जाती सहित ओभर परिसमाप्ति तृतीय ओभर खेल परिसमाप्ति सुधा जयपटना दल संग्रह कर 42 रन तृतीय ओभर खेल परिसमाप्ति सुधा जयपटना टच विन कर बैटिंग कर निष्पत्ति 42 रन संग्रह कर विकेट न हराई इतिमध्ये आम पक्ष आउ एक इनफर्मेसन 223 छक्का टूर्नामेंट रे वर्तमान सुधा 223 छक्का निश्चित भाव में हाई स्कोरिंग मैच ए पिच रे देखा मिलता मुझे गत वर्ष देखी हाई स्कोरिंग मैच बहुत
जय पटना दलियो भावरे 27 टी छक्का अधिकारी होई छथि एई टूर्नामेंट रे दलियो भावरे 27 टी छक्का हैच छक्का एई टूर्नामेंट रो जय पटना दल तनु निश्चित भावरे सेई भली ढंग रे जय पटना मध्ये तारो प्रारंभिक बैटिंग आरंभ करिछि जो भली 27 टी छक्का वर्तमान मध्ये इन्फॉर्मेशन मिलिला 27 टी छक्का एई टूर्नामेंट रे हैच छक्कार अधिकारी जय पटना दल निश्चित भावरे एक बड़ स्कोर आशा करा जीवा जी चतुर्थ ओवर रो प्रथम बॉल उठे मारि दे लंगन उपरे एवं 6 रन निर्देश आसी अंपायर को द्वारा सीधा लगाप उपरे विशाल छक्का आउ एक छक्का जय पटना दल जयदीप सुनिची 27 टी छक्का रो हैट स्कोर से मानु को नारे रेकॉर्ड अछि तार प्रमाण दै छथि बैट्समैन एवं देखै छथि ए टूर्नामेंट रे 28 तम छक्का हाइस्ट छक्का से जय पटना दल ना रे पर्यंत कायम अछि परवर्ती बॉल रायगढ़ रो चतुर्थ ओवर रो परवर्ती बॉल थर्मानंत को उठाइ मारि छथि एवं आउ एक छक्का रो निर्देश आसी छि अंपायर को द्वारा लगातार भाबरे दुईटी बॉल रे दुईटी छक्का मारि जय पटना रो बैट्समैन प्रमाण कर टूर्नामेंट रे जय पटना दल प्रदर्शन एवं जय पटना निश्चित भाव रायगढ़ दल को चैलेंज आज मैच धीरे धीरे मैच आग को बढ़िवार जना पड़ दु दल मध्य कोई भाव मैच टी गति करवर्त बल खेलवा पाई चेष्टा करथिले भी पळे छथि विकेट कीपर को गोस कुसीदा बॉल टी जाय छे हल्का सा फील होइथिला किंतु अंपायर को ऊपर कोनो सी प्रभाव पड़ीनी लीलू एवं राजा प्रारंभिक बैट्समैन ए पर्यंत अपराजित दुई बैट्समैन परवर्ती बॉल को सामना करिवे अफटप ऊपर उठे मारी छथि सीमा रेखा बाहर को चली जाय छी बॉल टी अंपायर को निर्देश आउ एक छक्का छक्का लगातार भाव आक्रमण जारी रखी बैट्समैन राजा हेमंत जे कि व्यक्तिगत कोटार द्वितीय ओवर नहीं आसी ओवर टी महंगा सब्यस्त होवर्त बल विलेज एंड्रु सामने राजा रक्षात्मक भंगी में खेल सुंदर बल टी चकमा दे बैट्समैन को किंतु बैट्समैन बहुत सुंदर भाव डिफेंस कर स्कोर 49 रन 60 रन बहुत सुंदर अक्षम पारे बॉल्टी उठे मारी छक्का निर्देश अंपायर को द्वारा लगातार भाव आक्रमण जारी रखी दुई प्रारंभिक बैट्समैन जय पटना तरफ रायगढ़ दल एपर्त निराश कौन सफलता मिलना एपर्त रायगढ़ दल को एवं जय पटना दल को प्रारंभिक सफलता दुई बैट्समैन द्वारा दलय स्कोर धीरे धीरे पहुंची जा 66 रन इतिमध्ये बोलिंग रे परिवर्तन आनी रायगढ़ अधिनायक मणि मणि को नहीं आई दुई बैट्समैन को किभली भाव बांधि रखिबे प्रारंभिक सफलता आने एक योजना भल भाव बोलिंग परिवर्तन घटाई एवं मणि को आनी विलेज एंड्रु परवर्ती बॉल राउंड द विकेट उठे मारी बल खिलाड़ी सुंदर भाव नहीं प्रारंभिक सफलता मणि जे कि परिवर्तन बोलिंग अधिनायक एवं मणि को आनी मणि निश्चित भाव दल को एक बहुमूल्य विकेट पतन घटाई जय पटना दल व्यक्तिगत भाव लीलू
26 रन करी व्यक्तिगत भाबरे लिलु केबिलन को फेरि जाइछंती एवं प्रारंभिक सफलता दल पई मणि रायगडा पई उठी मारिबा को चेष्टा करी थर्मान अंचल रे फिल्डर का द्वारा कैच आउट होई फेरि जाइथिले बैट्समैन प्रथम सफलता पंचम ओवर रे प्रथम बॉल रे एवं रायगडा दल को जो प्रतीक्षा रो थिला प्रथम विकेटटी मणिक द्वारा हासिल होई बर्तमान नुआ बैट्समैन भाव प्रवेश करीलु स्थान देवाई धीरेन पंचम ओवर एक सफल ओवर जारी रही रायगढ़ दल पर मणिक द्वारा हेमंत गोटे पटे दृढ़ता सहित बैटिंग जारी रखिंट मणि को सामना करेंगे हेमंत विलेजेंड्र परवर्ती बल सुंदर भाव में उठाई मारी विकेट रे पतन पड़े हेमंत देखते कि कौ भाई भाव जय पटना मैच रे एपर्त निजर आधिपत्य जाहिर रखी एवं चैलेंज देखते मणि को परवर्त बल एथर चेयरमैन अंचल उठे मारी रन सफलता ओवर सह मणि जहां आशा रखी निराशा कर राजा गोटे पटे छक्का पर छक्का इतिम्य अर्धशतक पूर्ण कर राजा लगातार भाव में आक्रमण जारी रखी राजा हैट्रिक छकार अधिकारी आज क्वार्टर लीग रे छप्पन रन व्यक्तिगत भाव में इतिम्य अर्धशतक द्रुत गति से पूर्ण करोर को कलेक्ट करने को समय दे ना बहुत सुंदर बैटिंग प्रदर्शन जय पटना दल मारी चारि रन निर्देश आंपायर कौशल द्वारा आउ एक चौका जुआदार बैटिंग जारी रखी राजा गोटे पटे अन्य पटे गोटे सफलतार ओवर सहित एकमात्र विकेटटी संग्रह करछन्ति मणि कौनसी भी बोलर एपर्त प्रभाव पक पार बैट्समैन राजा गोटे पटे से अर्धशतक हासिल कर क्वार्टर लीग रे लगातार भाव में पड़िया चतुर्थ पार्श को छक्का चौका मारी चलती परवर्त बल अफजंप बल छाड़ बैट्समैन विकेट कीपर को ग्लोस को आल कौन रन ना कौन क्षति ना इतिम ओवर रिसमाप्ति पांच ओवर शेष सुधा 88 रन संग्रह कर जयपटना दल प्रथम बैटिंग कर एक विकेट विनिमय रायगढ़ दल टी बोलिंग जारी रखी नूतन बल भाव रमाकांत विलेजेंद्रु रमाकांत व्यक्तिगत गोटार प्रथम ओवर दल तरफ नवम ओवर ष ओवर
पांच बल थिला यार भरपूर फायदा नहीं चंती पैसरा इतने मोटे रहा है तो छक्का बैट्समैन वीरेन देखियो तो छक्का प्रथम छक्का एवं निजर खाता खोली चंती छह रन द्वारा समस्त बैट्समैन खाता खोली चंती छह रन का तारे वीरेन मध्य देखियो तो खाता खोली चंती छह रन दे प्रथम बॉल को अब संपूर्ण कट करी वापस चेस्टा करी थी किंतु बीट हुई थी सारी रोटर नीचे संपर्क को तोड़ा पैटर लगे बोलती हुई तो आस्तीला आपको लगे न लगे पैटर लगे अब लगे तो पैर को नीचे जाती चली रोटर हल्का सा मिस फील हुई थी ला स्लीप ऑन चला रे परवर्ती बॉल भिले जेंडू रमाकांत सी गोली बॉल की थी लेकिन दू हल्का सा ड्राइव कर थी ले लॉन्ग टर्म और चलन थी फिल्डर फील्डिंग कर दी फिर ये देखो जो कौन सी रन नहीं रमाकांत भिले जेंडू परवर्ती बॉल सामने रे धीरे साठ बॉल चला पंच करीब आई थी साठ बॉल चला पॉइंट ऑन करो अपील ऑन करो ना क्या टाइम चाहिए तेरी ना उधर दी दिया व्यक्ति आता है हमारे छोर ऑन करी जय पटना दीप्ति और उसके ट्रक पर ना एवं आवे को सफल तब ओपन जारी रखी चंदी रोमक रायगढ़ द्वितीय ओवर सरी द्वितीय विकेट का पतन घटे जयपटना दल तृतीय बैट्समैन भावे दल अमित रायगढ़ तरफ रमाकांत एक सुंदर ओवर जारी रखिंट सामने अमित नूतन बैट्समैन प्रथम बल को सामना करने प्रथम बल को छत्ता सहित खाता खोली निश्चित भाव दल जो कहती यही टूर्नामेंट रे व्यक्तिगत रेकर्ड जय पटना दल छक्कारे अच्छी तार प्रमाण अमित देखते एवं खाता खोली छह रन सहायता समस्त बैट्समैन छह रन सहायता खाता खोली चलते रायगढ़ तरफ बोलिंग जारी रही नवम ओवर परवर्ती बॉल फुल टच बॉल थिला भरपूर फायदा नहीं बैट्समैन खराब बोलिंग प्रदर्शन निश्चित भाव में देखा बोलर द्वारा दुईट फुल टच बॉल एवं भरपूर फायदा नहीं बैट्समैन दल स्कोर द्रुत गति शहे आठ रन पहुंची जा जय पटना दल बैटिंग आरंभ कर द्रुत गति रन संग्रह कर चली दुई विकेट विनिमय बोलिंग परिवर्तन रायगढ़ दल रु मनु आ विलेजेंड रु प्रथम व्यक्तिगत तार प्रथम ओवर डाणा हाथी बोलर प्रथम बॉल सुंदर बॉल बीट करी बैट्समैन को
ବିଲେଜେନ୍ଦ୍ର ମନୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ନବମ ଓଭର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଓଭର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗନ ଦଳକୁ ଉଠାଇ ମାରିଛନ୍ତି ଛଅରନ୍ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଶଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ଛକା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 114 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ମାରିଛନ୍ତି ଦଳ ଫିଲ୍ଡର ଏକ ଜୀବନ୍ତକୁ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାୟଗଡ଼ା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହୁଏ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ତଥାପି କ୍ରିକେଟରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କ୍ରିକେଟର ଖରାପ ସମୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ସମୟକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଯୋଉ କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଭରଣା କରି ନେଇଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ କିପର ଏହି କ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ନେଇ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ସଫଳ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା କିଛି ସମୟ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛି ସେହି ରନ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ଉପରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ହେଇସାରିଛି ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ଚିତା ଜୟପାଟନା ଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଇଗର ଲଢେଇ ହେବ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବହୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଲାଗି ବଲ୍ଟି ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଅମ୍ପେୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଗ୍ ବାଇର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ମନୁ ବିଲେଜେନ୍ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଅଷ୍ଟମ ଉପର ବଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ପାଖକୁ ବଲ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଏକ ସଫଳ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି ମନୁଙ୍କ ଏଥିସହିତ ସପ୍ତମ ଓଭର ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 116 ରନ୍ ତିନି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟଚ୍ ୱିନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ଜୟପାଟନା ଦଳ ୧୬ ରନ୍ ସାତ ଓଭର ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 116 ଜୟପାଟନା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କନିଷ୍ଠ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଣି ଯିଏକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଟାର ତୃତୀୟ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ନେଇ ଭିଲେଜ୍ ଏଣ୍ଡରୁ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚିତା ଡାହାଣ ହାତୀ ବୋଲର ଓଭର ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ଉପରେ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ଟିଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚିତା
परवर्ती बल फिले जेंड्रू डाहना हाथी बोलन लगभग अंचल को रक्षात्मक ढंग से खेली द्रुत गति रे आउ एक रन संग्रह करने छथि दुई बैट्समैन रायगढ़ एवं जयपटना दुई पड़ोसी जिलार दुईटी टीम एक क्वार्टर लीग रे कनिष्ठ मेमोरियल क्वार्टर लीग रे आमना सामना होती एवं दर्शक मान मध्य ए बल्टी को उठाई मारी लंगन अंचल को आउ एक छक्कार निर्देश आती अपार द्वारा बर्तमान सुधा आम जहाँ देखु जयपटना दल जो द्रुत गति में रन संग्रह कर छक्कारु एवं चौकारु बहुत रन संग्रह कर सिंगल रु बहुत कम रन परवर्ती बल परवर्ती बल ए बल्टी को मध्य लंघन अंचल को उठे मारी फिल्डर को फेर बल पास कर जाइए छह रन निर्देश आरोप एक छक्का जयपटना तरफ रु बैट्समैन राजा द्रुत गति में रन संग्रह कर चलते राजा गोटे पटे तेईस बल रे तेयासी रन निश्चित भाव एक सुंदर इनिंग देखा मिलू राजा बैट रु आज ए क्वार्टर लीग दर्शक माने मध्य ए मैच रो आनंद लौछती पड़िया रो चतुर्पाश रे एति मध्य रे मोर साथी कमेंटेटर भाई जगदीश भाई मध्य मो पाखरे उपस्थित होई जाइछंती से मध्य ए ओवर परे आपन मानन को किछ समय धारा विवरण देबे परवर्ती बल को सुंदर भाबरे पूरी तरह उठे मारी छंती लगातार भाबरे छक्का उपरे छक्का राजा को बैट रु निश्चित भाबरे मो भाबुती से एति मध्य रे द्रुत भाव में शतक आज यही मैच हासिल करंग पंत बैटिंग जारी रखिंस मुझे शतक कामना कर मोर साथी कमेंटर को किसी समय यही मैच रारा बरण देवाई अनुरोध करगदीश भाई धन्यवाद आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं मैं कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट की ओर से जो कि पहले टह जीत के बल्लेबाजी कहते हुए जयपटना का टीम काफी एक अच्छा स्कोर जो कि 8 ओवर की समाप्त पर टीम का स्कोर 135 लास्ट ऑफ 3 विकेट काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर राजा जो कि जयपटना की ओर से पूरी तरह से अपने गेम के साथ खिलवाड़ करते हुए इस मैदान में टीम का स्कूल स्कोर 8 ओवर समाप्त हो चुका है 135 लास्ट ऑफ 3 विकेट सामने है मिस्टर चीता और काफी अच्छे किंतु वहां पर थे लेकिन सामने गेंद को खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर रन बनाते हुए 4 रन के लिए जो तो पहला क्वार्टर फाइनल मैच जयपटना एंड रायगढ़ काफी अच्छी जयपटना ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 139 लास्ट ऑफ 3 विकेट शैपुर दोस्त सुजबूज के साथ बैटिंग करते हुए मिस्टर मिस्टर राजा और मैंने तो थोड़ा सा प्रयास किए थे लेकिन काफी अच्छी कमबैक करते हुए गेंदबाज ब्यूटीफुल कमबैक आसमान थोड़ा साफ नजर आते हुए इस मैदान में काफी दिलचस्प शोर बसाई दर्शक चारों तरफ से बैठकर मैच को आनंद लेते हुए तो काफी अच्छे किंतु वहां पर पॉइंट समय गेंद को निकाल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं थी अब तक काफी ज्यादा बाहर उसको बल्ले में
थोड़ा सा धिकल दिए थे वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन के लिए। इस चार रन के साथ टीम का कुल स्कोर 143 लास्ट ऑफ थ्री विकेट, 143 तीन विकेट के नुकसान पर। और फुलटन गेंद तो वहां पर मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, जब तक फील्डर ने फील्ड किया दोनों ही बैट्समैन आसानी के साथ एक रन पूरा किया। काफी अच्छे सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए इस मैदान में पहला क्वार्टर फाइनल में जय पटना ने पहला टच जीत के बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छी शुरुआत करते हुए मिस्टर राजा, जो कि अपना टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। काफी अच्छे गेंद थे वहां पर, बॉलर के दिशा में खेल दिया है, लेकिन काफी अच्छे लंगन के प्लस फील्ड एक रन लेने में नहीं रुकेंगे मिस्टर राजा को, जो कि काफी अटैकिंग मूड में है मिस्टर राजा। जय पटना की ओर से अपने बल्ले से जाने जाते हैं मिस्टर राजा, काफी जो कि वहां पर काफी दिलचस्प कर चुका है इस मैदान में, क्योंकि स्ट्राइक पर खेल रहे हैं मिस्टर चीता। और फुलटन गेंद तो वहां पर निकल जाए गेंद को फैलने की ओर से, एक रन चुराया अपने टीम से, एक रन के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 146 लास्ट ऑफ थ्री विकेट। 9 ओवर की समाप्त पर टीम का कुल स्कोर जय पटना के 146 लास्ट ऑफ थ्री विकेट। एवरीबॉडी नाउ टू वेरी वेल द टुडे द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, जब आप अफेक्टेड दिस मैच इज पोस्टपोन्ड एंड टुडे दिस मैच फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच जय पटना वर्सेस रायगढ़ जो पटना ब्यूटीफुल एंड कम बैक एंड द ब्यूटीफुल ह्यूज स्कोर एंड बैटिंग एट द फर्स्ट एंड नाइंथ ओवर अब आवर हैव ऑलरेडी फिनिश्ड नाउ एंड स्कूल स्कोर 146 लास्ट ऑफ 3 विकेट। 26 गेंदों के सामना करते मिस्टर राजा 90 बना चुके हैं। और गेंद को निकल रहा है कबाई के दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। सरीस 4 रन के लिए, इस 4 रन के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 150 लॉस ऑफ 3 विकेट, 150 तीन विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, काफी समझदारी के साथ। रिवर्स स्वीप खेलने के लिए प्रयास जरूर किए थे, लेकिन गेंदर बल्ले के कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। काफी अच्छे कमबैक करते हुए अपने गेंदबाजी में, थोड़ी सी वेरिएशन लाना होगा। काफी रन हो चुका है जय पटना ने, काफी विशाल स्कोर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सामने है मिस्टर चीता और गेंद को निकल रहे पॉइंट डीप तक ऊपर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एप्पल में गेंद पर अपसाइड से काफी ज्यादा बाहर थी, वहां पर काफी अच्छी डिफ्लेक्ट खेल दिए थे डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर से, और इस 4 रन काफी अच्छी समझदारी के साथ बटन करते हुए खराब गेंद का फायदा उठाते हुए मिस्टर चीता। गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट की ओर से, गेंद तना मंडल सूर्य मंडल के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ जय पटना का उछलता हुआ स्कोर 160 लास्ट ऑफ 3 विकेट, 160 तीन विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन करते हुए कैप्टन चतुरे के साथ देखो मिड विकेट की एक खिलाड़ी को पहनाया किया गया है, लंकन लंकअप बेटी के काफी अच्छी फील्ड की सजावट करते हुए। और फुलटसगंज तो वहां पर मानने के थोड़ी सी प्रयास जरूर किए थे, लेकिन गेंद पैर से टकराते हुए गेंद जमीन पर, कोई रन नहीं। अब भी रन थोड़ा सा कमबैक करते हुए काफी अच्छे वेरिएशन लाने हुआ गेंदबाज को, क्योंकि वहां पर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जो कि राजा एंड मिस्टर चीता, इतना ही तारीफ कर जाएगी, इतने कम दिखने को मिल रहा है कि जय पटना ने जिस प्रकार से शुरुआत किए हैं
और सेट गेंद से मारने के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर किए थे, लेकिन इसी खराब गेंद का फायदा उठा नहीं पाए मिस्टर चीता, जो कि काफी एक चौका एक छक्का में तब्दील करना चाहिए था। शुरू होते हुए गेंद अपने शरीर से टकराते हुए कोई रन नहीं, काफी एक कमबैक करते हुए गेंदबाज। 10 ओवर की समाप्ति पर जयपटना का स्कूल स्कोर 160-160, लास्ट ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर। 16-0 तो वेरी गुड, बहुत सुंदर भाव रहे जोटा की जयपटना एक चमत्कार भाव रहे बैटिंग जारी रखिंट वर्तमान 10 ओवर परिसमाप्त होती है। जयपटना दलियों रन स्कोर 160-3 विकेट भी नहीं हुए। कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच जोटा के मैच को जगतर प्रभाव जो मैच को रद्द करा जाता है, तेणुक वर्तमान यही मैच को आज बहुत सुंदर भाव में जारी रही जयपटना और रायगढ़ मध्य वर्तमान खेल सुधा जयपटना 10 ओवर परिसमाप्ति है और जयपटना दलियों रन स्कोर 160-3 विकेट विनिमय। स्ट्राइक बल्लेबाज मिस्टर राजा काफी जो कि एक्टिंग मूड में है मिस्टर राजा, और मारने के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर किए तो वहां पर बल्ले चलाए थे, लेकिन गेंद पैर से हल्का सा टकराए कर सीधा लॉन्ग एंड बाउंड्री खिलाड़ियों की ओर से काफी अच्छी। जब खराब गेंद मिलती तो उसको फायदा जरूर उठाए। एक बेहतरीन सोच के साथ आज प्रारंभिक शुरुआत करते हुए मिस्टर राजा जो कि अपना टीम के साथ काफी एक सुर मसाते हुए ग्राउंड पूरी तरह से ग्राउंड की चारों तरफ बैठकर इस मैच को और बॉलर के दिशा में खेल दिया था और खतरा हो सकता था अगर डायरेक्ट और ओवर थ्रो के रूप में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए मिस फील्ड, जो कि कोई बैकअप नहीं थी वहां पर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चले गए और ओवर थ्रो के रूप में 5 रन अपने टीम की ओर से, टीम का स्कूल को। और फुलटर गेंद पे उसको निकलते हैं क्वालिक बाउंड्री के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। काफी फुलटर गेंद से गेंद शुरू होते हुए अपने ली की ओर से गेंद फुलटर गेंद को एक ब्यूटीफुल जो कि स्क्वालिक की दिशा में खेल दिया था 6 रन के लिए। और 3 गेंद हो चुका है 10 ओवर 3 गेंद। थोड़ी सी पार्टनरशिप करते हुए जो कि वहां पर चीता स्ट्राइक पर खेल रहे हैं और गेंद को स्ट्रेट ड्राइव में गेंद को निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर बैक टू बैक 6। जो गेंद के साथ जयपटना के बल्लेबाज खिलवाड़ करते हुए इस मैदान में कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट पहला क्वार्टर फाइनल मैच जयपटना और रायगढ़ के बीच में एक संघर्ष मैच देखने को मिल रहा है, काफी लाइव टेलीकास्ट आपको कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट की ओर से, जो चीता काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और गेंद को निकल रहा है डीप तक और बाउंड्री कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या बैटिंग कर रहे हैं, जो कि गेंद खराब गेंद का फायदा उठाते हुए एक छक्का में तब्दील करते हुए मिस्टर चीता। पूरी तरह से हैवी होते हुए मिस्टर चीता और वहां पर खिलाड़ी पहनाता था गेंद को आसान के साथ कैच करते हुए दे बैठे मिस्टर चीता और चीता पवेलियन से बाहर जा रहे हैं। काफी अच्छे खेल रहे थे, सूझबूझ के साथ ठीक कर खेल रहे थे, लेकिन ये आसान सा कैच दे बैठे गलती कर बैठे और सीधा पवेलियन से बाहर जा रहे हैं मिस्टर चीता। जयपटना की ओर से 4 विकेट के नुकसान, वहां पर काफी बैटिंग काफी ब्यूटीफुल के साथ काफी बेहतरीन के साथ बैटिंग कर रहे थे मिस्टर चीता और लंगन के खिलाड़ी पर कैच देकर सीधा पवेलियन से बाहर जा रहे हैं।
जो कि प्रारंभिक के रूप में आए थे मिस्टर राजा, जो कि अभी तक क्रीज पर मौजूद थे, काफी देर से खेल रहे हैं इस मैदान में। एक तरफ राजा अपने जो बल्लेबाजी में थोड़ा सा गहराई है, जो कि जयपाटा काफी अच्छे बल्लेबाजी में गहराई है, उसको कुछ भी अभी भी जो कि शुरुआत करते हुए मिस्टर राजा अपने टीम की ओर से जो कि अभी भी क्रीज पर मौजूद है, पूरी ठीक कर खेल रहे हैं। ग्यारह ओवर की समाप्त पर जय पटना का स्कूल स्कोर 194 लास्ट ऑफ 4 विकेट। 11 ओवर परिसमाप्ति होती है, जय पटना 190 तो जयपटना का स्कूल स्कोर 190 4 विकेट के नुकसान पर राजा ने काफी 28 गेंदों का सामना करते हुए 97 रन बना चुके हैं, अपने शतक से 3 रन दूर है मिस्टर राजा, जो कि एक आक्रमक पर खेलते हुए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच की और अर्थ शतक की तरह बढ़ते हुए मिस्टर राजा चौका और थोड़े से चतुरे के साथ गेंद को पॉइंट के हिसाब में खेल जाता है और वहां पर आता का स्कूल स्कोर 98 राजा ने 98 रन बना चुके हैं और टीम का स्कूल स्कोर 191 लास्ट ऑफ 4 विकेट। थोड़ी सी स्ट्राइक रोटेट करते हुए मिड विकेट की ओर से, जो कि अपने स्ट्राइक बल्लेबाज मिस्टर राजा काफी देर से क्रीज पर मौजूद है। जगदीश भाई जो दलीय स्कोर जो शिथिलता पड़ जाए जयपटना दल निश्चित भाव लगुच कि दबाव जमी गोटे प्रभाव पड़ी रायगढ़ दल प्रत्यावर्तन सुजोग नहीं लगातार दुई तीन ओवर मध्य किसी ओवर विकेट संग्रह कर रायगढ़ दल कि यहाँ रायगढ़ दल प्रत्यावर्तन बोली आपको लगुच कि जगदीश भाई कोई जल्दबाजी लेने नहीं चाह रहा मिस्टर राजा, क्योंकि शतक की काफी जो शतक करने में एक रन बाकी है मिस्टर राजा के स्कोर तक पर्सनल स्कोर और गेंद को थोड़ी सी लंगअप के दिशा में निकल जाता है, लेकिन इतने अच्छे छलंग लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब। मिस्टर राजा काफी 99 स्कोर में है, अभी हल्का सा अपील हुआ था लेकिन इस अपील का कोई अवसर नहीं, अभी भी बैट्समैन व्हाइट जो कि इस गेंद पर थोड़ा सा हल्का सा अपील हुआ था लेकिन लेग साइड से काफी ज्यादा बड़ा डिसाइन कर रन पर आलोक रंजन पटेल की ओर से व्हाइट रन एक रन का इजाफा और शतक के इंतजार सभी दर्शकों को, जो कि मिस्टर राजा काफी बेहतरीन के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान में। और थोड़ा सा सूझबूझ के साथ समझदारी के साथ खेलते हुए बारह ओवर की समाप्त पर जयपटना का स्कूल स्कोर 195 लॉस्ट ऑफ 4 विकेट 195 4 विकेट के नुकसान पर।
12 ओवर की समाप्त पर जय पटना का स्कूल स्कोर 195 चार विकेट के नुकसान पर, जो कि 31 गेंदों के सामना करते हुए मिस्टर राजा 99 पर खेल रहे हैं। नए स्टेक पर खड़े हैं मिस्टर राजा। 13 ओवर के पहले गेंद लेते हुए काफी उच्च करके गेंदबाज और फुलटॉस गेंद से वहां पर मिड विकेट की ओर से गेंद को निकाल दिया, हवाई यात्रा में गेंद को भेज दिया है 6 रन के साथ। टीम का स्कूल स्कोर 201 लास्ट ऑफ 4 विकेट 201 चार विकेट के नुकसान पर। लेग साइड में गेंद काफी बाहर थी, उसको मारने में कामयाब और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोबारा गेंद को निकाल रहा है। बैक टू बैक 6 गेंद की लंबाई इतने ज्यादा रहते गेंद लेग साइड से टपक पड़ेगा, काफी ज्यादा बार उसको मारने में सक्षम हुए हैं मिस्टर रामो अपने बल्ले से। बैक टू बैक 6 काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और दोबारा गेंद को निकल रहे हैं स्क्वाड लेग की ओर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। मेगा ओवर साबित होते हुए रायगढ़ की गेंदबाज गेंदबाज मिस्टर मणि काफी अच्छे डिजाइन गेंद कर रहे हैं, क्योंकि गेंद से भटकते हुए लेंथ और लेंथ रखना हुआ काफी वेरिएशन लाने हुआ, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज कुछ एक आक्रामक रूप में अपनाते हुए और व्हाइट काफी डिजाइन गेंद ऑफसाइड से काफी ज्यादा बार उसको व्हाइट कराते हुए एम्पियर कुशल झुआर ने काफी अच्छे इंप्लीमेंट करते हुए, जो कि मिस्टर रावत और मानने के लिए प्रयास जरूर किए थे, लेकिन लंदन के प्लेयर्स के हाथ में गेंद एक रन और जो कि राजा मिस्टर राजा 99 पर खेल रहे हैं, क्योंकि 99 पर बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर राजा। शतक की ओर से बढ़ते हुए राजा शतक हासिल करी बस तरफ रु अभिनंदन जनाऊ राजा को टूर्णमेंट शतक हासिल कर जगदीश जो भाई भाव राजा बैटिंग जारी रखिंट व्यक्तिगत भाव में दल स्कोर 264 रन रही रेकर्ड अच्छी मुझे जानली तो केते स्कोर पिच रु आप आगर मैच देखी थे पिच रे के स्कोर आशा कर जय पटना टीम ठार निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर की ओर से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक आसान सा कैच दे बैठे विकेट कीपर ने काफी अच्छे कोई गलती नहीं की इस गेंद को लपेटते हुए। क्वार्टर लीग कनिष्ठ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर लीग रे राजा जय पटना तरफ रु एपर्यंत अपराजित शतक कर गोटे पटे दृढ़ता सहित बैटिंग जारी रखी बेले जय पटना अन्य पटे पुनः शॉट खेल समस्त बैट्समैन गोटे पटे गोटे गोटे विकेट पतन घटी दल स्कोर 217 रन। बोलर रमाकांत दल तरफ रु चौदहतम ओवर नहीं आसंती रमाकांत
व्यक्तिगत क्षेत्र तृतीय ओवर दलियों भाव चौदहतम ओवर नहीं विलेजेंद्र डाणा हाथी बोलर सामने राजा व्यक्तिगत शहे रन कर बैटिंग जारी रखते परवर्ती बल ए बॉलटी को मध्य उठे मारी शिवा एक बाहर को बॉलटी चली जा रन रीते शेष चंपियन द्वारा दुश तेईस रन दलय स्कोर पहुंची जांच विकेट विनिमय पटना दल प्रथम बैटिंग कर तेरह दशमिक एक ओवर सुधा आक्रमणात्मक बैटिंग जारी रखिंट राजा परवर्त बल को मध्य उठे मारी सीधा सीमार बाहर को लगातार भाव में छक्का पर छक्का पड़िया चतुर्पाश रे अभिज्ञपूर्ण अंपायर बसंत सबर अभिज्ञपूर्ण अंपायर ए अंचल जनाशुना क्रिकेट अंपायर भाव नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट भाई आम गहन वर्तमान उपस्थित होगापी जामे कमेट्री बस तरफ धन्यवाद दौचु एवं स्वागत करुचु आज तर बहुमूल्य समय दे से आम गहन उपस्थित होगाक जावाद रायगढ़ दल बोलर परवर्त बल सामन गुमन सामना करिवा पाई प्रथम बल को उठे मारी तले फिल्डर एवं आउ एक विकेट पतन घटी उसी रन न कर गुमन कैबिलेन को फेरी जाऊं सुंदर बोलिंग प्रदर्शन जारी रखी बोलर माने वर्तमान सुधा विकेट पर विकेट पतन घटे चलते जो बोली ढंग से द्रुत गति में रन जयपाटना दल संग्रह करा ब्रेकअप लगे रायगढ़ बोलर माने अधिका रन संग्रह कले मत गोटे पटे विकेट पतन घटी चलती जयपाटना दल पाई गोटे पटे दृढ़तार सहित राजा व्यक्तिगत शतक पूर्ण कलापर मध्य अपराजित अच्छा वर्तमान सुधा बरुण ये बल्टी गोटे मारी बसंत सबर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट बिंद्रा बाहल मनोरंजन भई कांदुल गुड़ा जूनागढ़ से आम गहन में उपस्थित हे आ समय मध्य आम स्वागत करुचु आम गहन में बहुमूल्य समय दे उपस्थित हो हेलो वर्तमान जोटा कि बसंत सबर श्री महोदय जो कि बसंत सबर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट बंद्रा बाहल परवर्त बैच पाई एम्पायर पाई नियोजित होती बहुत सुंदर भाव से जाओ चौदह ओवर की समाप्त पर जयपाटना का स्कूल स्कोर 236 लास्ट ऑफ सिक्स विकेट जो कि बसंत सबर परवर्त मैच पाई एम्पायर महोदय एवं सहित अच्छा मनोरंजन भई कांडुलगुड़ा जूनागढ़ बहुत सुंदर भाव में किसी समय अतिवाहित कर आम जो कांडुलझर क्रिकेट आसोसीएसन
दर्शक मध्य छकाटी जा पहुंची दर्शक मान खुशी अभिवादन स्वीकार कर छकार शेषतम ओवर शेष ओवर जारी रखी दलपाई विश्वजित कपालवर्ती बल को उठाई मारी लंगन अंचल चारि रन निर्देश आपयर द्वारा शेष ओवर भरपूर फायदा नहीं बैट्समैन द्रोण शेष ओवर जारी रही बेले दल स्कोर 248 रन 6 विकेट विनिमय चौदह ओवर तीन गेंद हो चुका है टीम का स्कूल स्कोर 248 लास्ट ऑफ 6 विकेट 248 6 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन जो कि जयपटना के जयपटना ने पहले जीत के बल्लेबाजी करते हुए एक मशहूर की तरह एक पहाड़ की तरह स्कोर खड़ा करते हुए और गेंद को निकालता है लंगा बाउंड्री के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट आज होती प्रथम क्वार्टर फाइनाल मैच जोटा के मैच टी को जगत प्रभाव जो बातल कर बर्तमान मैच टी जारी रही प्रथम क्वार्टर फाइनाल मैच जयपाटना और रायगड़ा मध्य एक चित्ताकर्षक मैच जारी रही देखुवे लाइव टेलीकास्ट और परिष्कृत भाव में गेंद को पॉइंट पट को खेली देते सुंदर भाव में गोटे रन दुईट रन संग्रह कर चमत्कार भाव में दुई रन सहित जयपटना दल स्कोर जयपटना तार इनिंग समाप्त कर 15 ओवर की समाप्त पर जयपटना का स्कूल स्कोर 255 जीतने के लिए 256 रन की जरूरत है 236 रन रो दल स्कोर हाई स्कोर था जयपटना दल पिच से रेकर्ड को भंग कर जयपटना दल 200 234 रन जयपटना दल पिच व्यक्तिगत हाई स्कोर था से दल स्कोर को निज दल स्कोर रु 258 रन पिच रे बनई से रेकर्डर कायम रही प्रथम इनिंग खेल परिसमाप्ति सारी द्वितीय किसी समय पर आरंभ हम से पर्यत आपण मान आम विदाय नौ खेल आरंभ होगा मात्र आम मैने सीधा सड़क आपण मान पुणी थे भाष्यकर भाव में उपस्थित हबु धन्यवाद बर्तमान द्वितीय इनिंग अल्प कम समय मध्य आरंभ हो जयपटना एक सुंदर भाव में बैटिंग जारी रखी बर्तमान 15 ओवर परिसमाप्ति पर जयपटना दलीय रन स्कोर 255 जो कि 255 रन 6 विकेट विनिमय जोटा कि बर्तमान द्वितीय इनिंग्स जो एमपीआर भाव में आज जो आम निमंत्रण करमलदार क्रिकेट आसोसीएसन तरफ एवं बोधे कि व्यस्त बहुल जीवन
टॉस जीति बैटिंग करिबार निष्पत्ति लेथिले एवं 15 ओवर खेल परिसमाप्त करे जय पाटनारा दलीय स्कोर 255 6 विकेट विनिमय रे वर्तमान पटिया रे उभय टीम जोटा के रेगुलर उभय बैट्समैन एवं जय पाटनारा टीम पटिया भितर प्रवेश कर सकते अल्प कम समय मध्य जोटा के एक बड़ा स्कोर को हासिल करने उभय जोटा के रायगढ़ पट दु जन ओपनिंग बैट्समैन पटिया भितर प्रवेश कर सकते अल्प कम समय मध्य जोटा कि कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट चतुर्थ प्रथम क्वार्टर फाइनाल मैच जयपटना एवं रायगढ़ मध्य जारी रही जो कि दोनों एम्पियर बसंत सबर एंड मनोरंजन भोई जो कि इस सेकेंड इनिंग्स का एम्पियर इंप्लीमेंट एम्पियरशिप की इंप्लीमेंट करेंगे काफी बेहतरीन के साथ जो कि इस टूर्नामेंट को हुए हिट करते हुए कंडलचर कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट की ओर से एक माइंड ब्लोजिंग टूर्नामेंट करने स्पॉन्सर्ड बाय कंडलचर एमकेसीसी जो कि दोनों ही एम्पियर मैदान पर पहुंच चुके हैं टीम का जो कि जयपटना के सभी खिलाड़ी जो कि काफी अच्छे फील्ड की सजावट करते हुए पावर प्ले में पॉइंट डिप पॉइंट शॉट कवर स्लो स्लिप और मिडन की तरह से खिलाड़ी को तैनात किया गया काफी अच्छी फील्ड की सजावट करते हुए जो कि काफी बेहतरीन एम्पियर मिस्टर बसंत सबर नापड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर से साउंड सिस्टम ऑपरेटर जोड़ दिले बोलते हमारे कमेटी स्टेज पर आकर संतो जो कि मेन एम्पियर की रूप में इंप्लीमेंट करते हुए मिस्टर बसंत सबर नापड़ा डिस्ट्रिक्ट और मिस्टर मनोरंजन भोई कंडलगुड़ा जूनागढ़ काफी अपने जीवन में काफी मैचेस खेला चुके हैं और काफी एक जितना ही तारीफ कर देते इतने कम दोनों ही एम्पियर ने आज को जो कि पहले सेकंड इनिंग्स में इस मैच में इंप्लीमेंट करते हुए साउंड सिस्टम पर तरुण जाल
जोड़ी थे मत हम परमिशन स्टेट बैक कर संतो सेम हो गए थे कैमरा वाला उठे नहीं पॉसिबल नहीं कम दे साउंड सिस्टम वाला करो लगे आल पीछे चपड़ी जोड़ थे मत हम परमिशन स्टेट बैक कर संतो देखो तो तू क्या ही कर रहा है नहीं सेम बॉस नहीं मोजी मोजी क्या अरे पटाओ यार डोंग नहीं करने का कौन आने को रहा होता कथा बुझो नहीं मोजी मोजी टिक नहीं बस खाली नहीं 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 चार जा है ना ना है पक्का जीवन सिंगड़ा खाए जी एक्सरसाइज कर जुड़ी उड़ा है मानी वक्त ही क्या हाँ हटो हाँ हेलो नहीं 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 ठीक चली चले हो ठीक चली बैटिंग आरंभ कर क्यों रहा है वाला बॉ कंटिन्यू चली चेना खेल कंटिन्यू चली चेना खेल छप्पन रन एक विशाल लक्ष्य को पारी करने रायगढ़ दल प्रयास कर रक्षात्मक भंगी खेल कौन सी रन ना प्रथम ओवर रे ही गोटे विकेट र पतन घटी सारी रायगढ़ दल रोल टी उठे पारिंट लंगन अंचल को चारि रंग निर्देश आंपायर द्वारा एवं रायगढ़ दल चारि रन शहे हतारे व्यक्तिगत स्कोर पांच रन पहुंची बहुमूल्य एक विकेट विनिमय बैट्समैन दीपक बाम हाथी बैट्समैन डाणा हाथी बोलर एवं टी गुठार मानक को खेल एवं द्रुत गति में बॉल टी सीमा रेखा बाहर को चली जाई छी फील्डर को चकमा दे कोरोना आसीला मारी है दीपक लगातार भाव रे दुई टी चौका मारी दल को किसी आशा संचार कर छंती जो होल ढंग रे प्रथम विकेट प्रथम ओवर रही जय पटना दल उत्सुकता सहित पुलिंग जारी रखी छंती ताको प्रतिहत करिसथि दीपक नरेंद्र मोदी केते पडिथिले पाठा सब मंत्री कने पार्टी को मारिबा को चेष्टा करिथिले एवं आउ एक विकेट रा पतन सीधा फील्डर का पक्को क्याचा उठैसे फेरछन्ति दीपक निश्चित भाव रे बैटिंग विपर्जय रे सम्मुखीन होइछि रायगडा दल एक विशाल लक्ष्य को पीछा करबा को जाई प्रारंभिक बैटिंग विपर्जय रे सम्मुखीन होइछि एवं जय पटना दल मजबूत स्थिति रे बर्तमान दुई टी विकेट नेला परे सुंदर बोलिंग जो भली ढंग से माने बैटिंग आरंभ कर दिले सेई भली भाव रे ताको बोलर माने मध्य बोलिंग जारी रखि छथि एवं दल को दुई टी सफलता प्रारंभिक भाव रे जय पटना एवं रायगढ़ मध्य रे क्वार्टर लीग रे मैच प्रथमे बैटिंग करी जय पटना रायगढ़ सामना रे एक विशाल लक्ष्य रखी परवर्ती बॉल विलेजेंद्र बोलिंग कर रहे थे बोलर
ए बॉल टिको कट करबा को चेष्टा करथिले संपूर्ण भाबरे विफल हेचंदी बैट्समैन बहुत सुंदर बॉलिंग जारी रखी चंदी बॉलर परवर्ती बॉल विलेजेंद्रु बैट बॉलर हेलो हां बुढा फील्डिंग रे किजीटा परिवर्तन आडा गीत बजा मुके हां जो के सुरकार भाबरे उठे मार छती सीमारा का बाहर दो दो जीवो ए बाटो होम प्लेयर का बॉल जो चारि रन हेलो ये चारि रन ये क्यों का हमारे राम बाबू चारि रन संग्रह करते मध्य परवर्ती बॉल बोला ए बॉल टी मध्य सीमा रेखा बाहर को थर्ड बॉल का चल रे चारि रन इतिटा मिस फील्ड होल थिला जयपटना का फील्डर का द्वारा हल्का सा मिस फील्ड रो भरपूर फायदा चारि रन जोटी गोटे रन किंवा कौनसी रन मिलवा कथा नुहे चारोटी रन संग्रह कर रायगड़ा परवर्ती बॉल जयपटना तरफ बोलिंग जारी रखी बॉलर गति मधरे आउ एक विकेट का पतन रायगड़ा दल सीमा रेखा उत्तर फिल्डर कैच आउट कर बड़ सट खेल चिता बड़ सट खेल कैच आउट को फेरी लगातार तृतीय विकेट पतन घटी रायगड़ा दल एवं जयपटना दल धीरे धीरे मजबूत स्थित मैच को बैट्समैन लंबा इनिंग खेल प्रयास करना समस्त भी बैट्समैन बड़ सट खेल चक्कर ही पैविलियन को फेरी तेणु जो भरी ढंग से बोलिंग जारी रखी जयपटना दल यह मैच में निश्चित भाव में एक मजबूत स्थिति आड़ को अग्रसर हो लक्ष्य कर इतिम्धे वाइड रुदय संपर्क दर आतिरिक्त रन परवर्त बल को कट कर सीमार बाहर को चारि रन इतिम्धे ओभर परिसमाप्ति दुई ओवर खेल परिसमाप्ति सुधा दलय स्कोर 22 रन 3 विकेट विनिमय रे तृतीय ओवर नहीं आसती बोलर चट्टार शॉट बहुत सुंदर शॉट छक्का
बहुत सुंदर ढंगर उपचार करते छक्का सुंदर अंपायरिंग प्रदर्शन अंपायर द्वारा बहुत अभिज्ञपूर्ण अंपायर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर तो निष्पत्ति अंपायर कभी से ही ढंग से निष्पत्ति शुणुंट परवर्त बल किंतु भरपूर फायदा नहीं पारि ना गोटे रन संग्रह द्वितीय ओवर परवर्त बल व्यक्तिगत कोटार द्वितीय ओवर झटका लगी रायगढ़ दल को बहुत सुंदर दर्शन क्या राजा द्वारा आज बहुत सुंदर प्रदर्शन राजा जो भाई क्या नौकरी आज शतक अर्जन करते दल निश्चित भाव में आज जय पटना दल राजा लक्की सब्यस्त होती बहुत सुंदर क्याच बाध्य करते बैट्समैन को पेविलियन को फेरी जावा बहुत सुंदर बैटिंग करुले वर्मा जी की आउट ही फेरी जा आठ रन कर रक्षात्मक भंगी रही बल टी खेल फिल्डर तो पक कौन क्षति ना कौन रन ना निश्चित भाव में रायगढ़ चाप निश्चित भाव बैटिंग विपर्य सम्मुखीन रायगढ़ दल हो सारी जय पटना दल धीरे धीरे मजबूत स्थिति पारंपरिक प्रतिद्वंदी भाव में जय पटना एवं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट जय पटना मध्य एक क्वार्टर लीग मैच बहुत संघर्षपूर्ण भाव में बर्तमान स्थिति दर्शक मान पड़िया चतुर्पाश्वे मैच टी भरपूर फायदा नौकरु जयपाटना दल घर दल तार समर्थन मिली जयपाटना दल को जोरदार प्रयास जयपाटना दल वर्तमान सुधा प्रयास जारी रखुंट दर्शक मानर आशा पूरण करने दिगरे भल प्रदर्शन जारी रखिंट एवं रायगढ़ दल वर्तमान जो स्थिति में जड़े ही बैट्समैन को कौन ना कौन बैट्समैन को वर्तमान स्थिति में मैच को फेर पड़ो भल इनिंग खेल पड़ो धुआंधार इनिंग जड़े बैट्समैन मैच को प्रत्यावर्तन कर रायगढ़ दल जयपाटना दल यही प्रयास जारी रखा जरूरी हो मैच को विन करने को रायगढ़ दल को यही ही एक आवाज देवार अच्छे ए मैच को प्रत्यावर्तन करने जोरदार लड़े जयपाटना एवं रायगढ़ मध्य परवर्ती बल फिले जेन रू डाणा बोलर रक्षात्मक भंगी खेल चेस्टा कर मुहूर्त बल टी विकेट कीपर को ग्लोव को छाड़ कौन रन ना नूतन बैट्समैन मनु तीन ओवर खेल शेष होता 29 रन संग्रह करके विनिमय
रायगढ़ दल अधा टीम ब्यापिले वापस यहां से ओवर द विकेट सीके दुख डाकर खेल दिए हैं नीचे फील्डर और एक झटका रायगढ़ को और निश्चित रूप से धीरे धीरे मैच किया अग्रसर होते हुए जीत किया अग्रसर होते हुए जय पटना टीम छह खिलाड़ी खो चुके हैं और मैच को वापसी है ना तो एक ही दस मैच को इस मैच विनिंग इनिंग्स खेलना पड़ेगा ষষ্ঠ উইকেট পতন করে বিশ্বজিৎ প্রবেশ করছেন এবং অমিত এক সফল ওভার জারি রাখিছন্তি পতন হয়ে সারি রায়গড় দলর পরবর্তী বলকু রক্ষাত্মক ভঙ্গিতে খেলছেন নূতন ব্যাটসম্যান বিশ্বজিৎ ধীরে ধীরে মধ্যে জয় পাটনা এবং রায়গড় দল ব্যাক টু ড্রিল দর্শক মানে পড়িয়ার চতুর্পার্শ্বরে ম্যাচটিকে উপভোগ করছেন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ଯାଇଯାଇଛି ସୀମା ରେଖା ବାହାରକୁ ଚାରି ରନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଚୌକା ଦୁଇ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଏଣ୍ଡରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖେଳିଛନ୍ତି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିଏକି ଏହା ପୂର୍ବ ବଲ୍ରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ନମୁନାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଦଳର ଶେଷ ଭାଗର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରେ କଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଭିଲେଜେଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପଲ ବଲ୍ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହାଲକା ସା କିଛି ଆବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ହାଲକା ସା ଅପିଲ ହୋଇଥିଲା ଏଥି ମଧ୍ୟ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଚାରି ଓଭର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳୀୟ ସ୍କୋର 34 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଛପନ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଏ ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏହି କନିଷ୍ଠ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଲିଗ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭିଲେଜେଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରିଜ୍ରେ
किसी समय पर दर्शक मान मधे आशार भावना देखा मिलूँ कि छक्का चौका देखा दर्शक मैंने जो आशा रखी रायगढ़ दल पाखु रायगढ़ दल निश्चित भाव निराश कर मात्रे फुलटस बल देते कि फायदा नहीं पार ना बैट्समैन सीधा फिल्डर पाख को सुंदर फिल्डिंग जय पटनार फिल्डर द्वारा एवं सुंदर भाव में फिल्डिंग प्लेस मैं सजा रखी अधिनायक जय पटनार पांदी रखी समस्त बल रायगढ़ बैट्समैन मान बल टी उठे मारी सीमा रेखा अंतर को बहुत सुंदर स्टाइल अंपायर महोदय छह नंबर निर्देश देते बहुत सुंदर अंपायरिंग प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नमूना देखा मिलूँ कांड मुक्त कनिष्ठ नंबर क्रिकेट लीग रे निश्चित भाव में कि दल सुंदर भाव पुणी गोटे छक्का लगातार भाव में दुईटी छक्का ओवर आक्रमण आरंभ कर रायगढ़ बैट्समैन चित्तर उपर कि प्रभाव पकड़ा चेष्टा कर चित्त प्रथम घातक सब्यस्त होते परवर्त बल लगन को सुंदर भाव में ड्राइव कर बल चली जाती सीमा रेखा बाहर गोल फेल को निर्देश चारि रन लगातार भाव ओवर चित्त को लगातार भाव में तीनो बड़ सट खेल चापर रखा चेष्टा कर परवर्ती बल विलेजेंद्रु डाण हाथी बोलर एक फिल्टर बल उठे मारी सीमा रेखा अंचल को फिल्डर फिल्डिंग कर फेर पूर्व गोटे रन संग्रह कर दुई बैट्समैन एक रन सहायता द्रुत गति रन फिफ्टी टू छि विकेट पतन हो सारी रायगढ़ दल रचावन रन विजय लक्ष्य को पीछा करने को जाए द्वितीय पावर प्ले कांदुलझर क्रिकेट लीग कनिष्ठ मेमोरियल स्मारकी क्रिकेट टूर्नामेंट गत वर्ष ब्लॉक स्तरीय होता ए वर्ष जिला स्तरीय निश्चित भाव जो परिश्रम कर टूर्नामेंट को आयोजन करने पथर आयोजक मैंने फिल्ड टी को बहुत सुंदर भाव में गला वर्ष ठारे वर्ष कम हो फिल्ड बहुत परिश्रम हो चेष्टा हो जो मैंने भी रक्षात्मक भंगी में खेल द्रुत गति में गोटे रन संग्रह कर बैट्समैन एवं जो भाव पिच को परिश्रम कर टूर्नामेंट को सफल आयोजन निश्चित भाव से धन्यवाद देवी आज क्वार्टर लीग रायगढ़ जय पटना दुईट पड़ोसी जिला दुईट दल मध्य लड़े क्वार्टर लीग इतिमध्ये रक्षात्मक भंगी में खेल गोटे रन संग्रह कर बैट्समैन दुजन गोटे पार्टनरशिप धीरे धीरे भागीदारी करने चेष्टा जारी रखी दुई बैट्समैन लक्ष करने चेष्टा कर द्वारा सामान्य बाहर बल निर्देश वाइड आउ एक अतिरिक्त रन परवर्त बल विलेजेंद्रु बल टी रक्षात्मक भगी सीधा बोलर को फल छुई रोल बोलर फिल्डिंग कर रन नहीं बहुत सुंदर बोली
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ପାଟନାର ବୋଲର୍ସ ମାନେ କୋହଲା ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ମନୋ। ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ର ପତନ ପରେ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ, ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ ବଲ୍ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଜୟ ପଟ୍ଟନା ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ପଏଣ୍ଟ ଦଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାରକୁ ଖେଳିଯାଇଛନ୍ତି ବଲ୍ଟିକୁ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚମ୍ପିୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ପଏଣ୍ଟ କଭର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଧା ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଝିରେ ବଲ୍ଟି ଚାଲିଯାଇଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିଏକି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ୱିକେଟ୍ ପତନ, ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଘଟିସାରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଦଳର। ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁମାନ ନୂଆ ବୋଲର, ପ୍ରଥମ କୋଟାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍, ନିଜ କୋଟାର ପ୍ରଥମ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦର ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜୟ ପାଟନାର ବୋଲର୍ସ ମାନେ। ରାୟଗଡ଼ା ଦଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୟ ପାଟନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକୃତିକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜୟ ପାଟନା ଦଳ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୟ ପାଟନା ଦଳ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇଥିଲା, ଟସ୍ ୱିନ୍ କରି ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତକ ହାସଲ ସହାୟତାରେ ଦଳୀୟ 255 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ 256 ରନ୍ର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଦଳକୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମର ରୂପାଧର ନାଥ ଭାଇ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4 ରନ୍ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପକେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେ ଆଣି ଏହି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ କମିଟି ବକ୍ସ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛକା ମୁଁ ଦେଖିଲେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମର ନମୁନା, ଇଏ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀର ନମୁନା, 100 ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଭାଇ ସେଇଭଳି ଜଣେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ପକ୍ଷ ଆଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ରହିଲି କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଚୌକା ସେଇଠି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଛକା ହେବ 100 ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ରାଶିଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଥିଲେ ଚେଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ
रमाकांत दुई तीन चौका लगातार भाव ग्रे किटा पतल कर जय पटना दल रवर्त बल दिले जेन्द्र डाउन हाथी बल ओवर टू विकेट रमाकांत भाई जे कि आम क्रिकेट प्रेमी भाई का आशा पूरण कर शहे टंका विनिंग कर शहे टंका अर्जन करमर जो क्रिकेट प्रेमी भाई शेष भाग में धुआंधार बैटिंग जारी रखा चेष्टा कर रमाकांत देखा जाओ कैसे बात इनिंग को आगे को नहीं पारे परवर्त बल को रक्षात्मक होकर खेलते कौन सी रन ना क्रिकेट मजा ही दर्शक दर्शक ना तो क्रिकेट मजा ही ना तेणु दर्शक मैंने भरपूर आज मैच को देखापी रायगढ़ एवं जयपटना मध्य जेहेतु जयपटना दल कलाहां डिस्ट्रिक्ट बोध हुए मुझे भावुच दर्शक मैंने घर दल भाव में जयपटना दल को समर्थन देवाई बहु मात्रा रे पड़िया चतुर्पाश्वे उपस्थित एवं आनंद मजा ने जयपटना दल भरपूर मनोरंजन दे दर्शक मान रायगढ़ दल निराश कर आयोजक मान एक भल मैच निश्चित भाव आशा रखिलु आम कि रायगढ़ दल आत्मसमर्पण कला भाई खेल प्रदर्शन एपर्त कर देखा जाऊ शेष भाग बैट्समैन एपर्त लड़े जारी रखी केट दल को से आग को नहीं पार्टी परवर्त समय कह परवर्त बल लेग साइड को खेली जाती द्रुत गति में लेग बाई रही सारा गुटे शास्त्री अंपायर द्वारा अतिरिक्त रन आउ एक अतिरिक्त रन दलय स्कोर सहस्तरी रन छयास्टी बल रे शहे अशी रन संग्रह करने को रायगढ़ दल को मैच को जितना निश्चित भाव कष्टसाध्य किंतु क्रिकेट रे किसी आगुआ करवा संभव नुहे बहुत मैच ये मध्य आम को सी जनवाक चाहती एपर्त रायगढ़ टेलेटर मैंने लड़े जारी रखिंट मैच को प्रत्यावर्तन करेंगे तार आशा रखिंट बैट्समैन निश्चित भाव में किसीटा दर्शक मैंने उत्साहित हो जाती सर्ट देखा द्वारा शेष भाग में जोरदार लड़ाई हम यही आशा नहीं परवर्त बल करने चेषा करुत गति में गोटे रन मध्य संग्रह कर बैट्समैन लेग बाई निर्देश देखते अपचार आउ एक अतिरिक्त रन रायगढ़ एवं जयपटना मध्य क्वार्टर लीग मैच यहां शंकर इलेवेन एवं कांगुलर क्रिकेट टीम मध्य लीग पर्यायर एक मैच अनुषित हो से आगुआ टिकेट तीन नंबर काउंटर दि जाऊशीघ्र संग्रह कर दिखु आम जो कांगुलर क्रिकेट टीम एवं शंकर इलेवेन मध्य जो खेल टी अनुषित हो तीन नंबर काउंटर में टिकेट बर्तमान दि आरंभ चलती आपण मैंने टिकेट संग्रह कर दिखु धन्यवाद परवर्त बल व्हाइट निर्देश आशी अंपायर द्वारा आउ एक अतिरिक्त रन जय पटना दल निश्चित भाव को रक्षात्मक भंगी खेल बल्टी को कौन सी रन ना संतुलित खेल प्रदर्शन आज जयपटना द्वारा बोलिंग कि बैटिंग रे हौ कि फिल्डिंग रे हौ समस्त क्षेत्र में रायगढ़ दल को किसी मात्र पछुआ पकड़
प्रथम इनिंग राजा को क्याच मिस आपको बने थी परवर्त टाइम राजा जे कि शहे रन संग्रह कले शतक अर्जन कले दल सहित मजबूत स्थित को रही गले क्या मिस केत महंगा पड़ी रायगढ़ दल को बर्तमान रायगढ़ टीम निश्चित भाव से विषय में चिंता कर क्रिकेट घटना अघटन घटे क्रिकेट एक एमती खेल गोटे ओवर में सबकि ओलट पलट हो जाए से आशा नहीं दर्शक मैंने पड़िया चतुर्पाश्वे रायगढ़ खेल देखा परवर्त बहुत सुंदर भाव में ड्राइव कर चार रन से मतरे मनो किसी समय हम गोटे पटे रायगढ़ टीम को धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्थिति में जाता बेले अन्य पटे विकेट पर विकेट पतन परवर्ती बल सामने मनो धन्यवाद अगले हेलो रक्षात्मक भंगी खेल द्रुत गति में गोटे रन संग्रह करवर्ती भाष्यकार भाई मोर किसी समय धारा विवरण देखा अनुरोध करुच्ची जगदीश भाई किसी समय जगदीश भाई आपण को खेल सीधा सड़क धारा विवरण देवाई अनुरोध कर जगदीश भाई पटना का टीम काफी अच्छी हेलो 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 फिल्डिंग फेर पूर्व दुईटी रन एसत ओवर थ्रो भाव रन दुई रन संग्रह कर रायगढ़ दल परवर्त बल फिले चंद्रु फार्मल को फिल्डिंग कर फेर पूर्व गोटे रन संग्रह कर नौ ओवर परिसमाप्ति सुधा जय सारी रायगढ़ दल छयानबे रन संग्रह कर सात विकेट विनिमय दुश छप्पन रन रिजय लक्ष्य को पीछा पड़ी नौ ओवर खेल शेष सुधा छयानबे रन रायगढ़ दल स्कोर वहां पर नेट विकेट की ओर से गेंद को निकाल दिया था गेंद और जब तक नेट विकेट के प्लास फील के तो दोनों ही बैट्समैन आसानी के साथ एक रन पूरा के इस एक रन के साथ दो रन पूरा के इस दो रन के साथ रायगढ़ का उछलता हुआ स्कोर 98 लास्ट ऑफ सेवन विकेट
काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए जयपटना का टीम बांध कर अगर कोई आजादी नहीं दे रहे बैट्समैन को खू कर खेलने के लिए और ऑफ साइड से काफी ज्यादा बार पीछे बल्ले से खेलने चाह रहे लेकिन हल्का सा अपील इस अपील का कोई अवसर नहीं। अभी भी बैट्समैन अपने जगह पर सुरक्षित क्या बोलिंग क्या गेंदबाजी कर रहे हैं जयपटना की टीम काफी अच्छी काफी ऑफसाइड से बाउंस लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर तीन तक हुआ काफी धीमे बल्लेबाजी करते हुए रायगढ़ की ओर से 99 लेफ्ट ऑफ 7 विकेट्स दसवां ओवर जीता का कीपर काफी अच्छे बाउंस करेगा कोई आजादी नहीं दे रहे बैट्समैन को खून को खेलने के लिए। खेलने के लिए प्रयास जरूर किए थे वहां पर लेकिन बल्लेबाज के समझ से बाहर अगेन पैर से टकराते हुए कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर तीन तक हुआ 99 लास्ट ऑफ 7 विकेट काफी अच्छी वीएसएन के लाइन की ओर से काफी लेंथ काफी शॉर्ट गेंद लेग साइड से काफी ज्यादा बाहर आर एम्पायर मनोरंजन भोई ने काफी अच्छे इंप्लीमेंट करते हुए इस मैदान में पहले क्वार्टर फाइनल मैच रायगढ़ और जयपटना के बीच में कुछ संघर्ष मुकाबला लेकिन वहां पर रायगढ़ की पारी लड़खड़ाते हुए जो कि 907 विकेट गिरा चुके हैं और बार बार मारने के लिए प्रयास तो जरूर कर रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले को कोई संपर्क नहीं जो कि इस मैच में एम्पायर इम्प्लीमेंट करते हुए दोनों ही एम्पायर जो कि काफी एक महत्वपूर्ण जो कि बेहतरीन के साथ इस मैच को इम्प्लीमेंट करते हुए मिस्टर मनोरंजन भोई कांडलपुरा जूनागढ़ और मिस्टर बसंत सवर नागड़ा डिस्ट्रिक्ट बंद्रामाल काफी अच्छे शूट करके क्रिकेट टीम के साथ इस मैच को इम्प्लीमेंट करते हुए बेहतरीन के साथ शोर बसाते हुए इस मैदान में दर्शक पूरी तरह से ग्राउंड के चारों तरफ से बेट करें इस मैच को इस क्वार्टर फाइनल मैच को एंटरटेनमेंट ले रहे हैं जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है जयपटना रायगढ़ के बीच में जयपटना ने पर्यटन जीत के बल्लेबाजी करते हुए पहले ही 15 ओवर की सीमा पर 255 रन की बड़ा स्कोर खड़े के इस स्कोर को पीछा करते हुए रायगढ़ का पर लड़का तो हुए 907 विकेट दे चुके हैं। काफी मुश्किल स्थिति में गुजरते हुए रायगढ़ का टीम और हसलेर बुलंद के साथ पूरी फुर्ती के साथ जयपटना के सभी खिलाड़ी फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कैप्टन चचरे के साथ डीप पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को खड़े किए हैं। लेग विकेट लॉन्ग अप कवर लेवल लाइन काफी अच्छी फील्ड की सजावट करते हुए कैप्टन चतुराय के साथ जो कि खुद स्लिप में खड़े हुए हैं एक बेहतरीन फील्ड की सजावट करते हुए क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा टीक कर और गेंद को लंदन के दिशा में निकल गया है। गेंद को वहां पर फील्डर कहना था जब तक फील्डर ने फील्ड किया दोनों ही बैट्समैन आसानी के साथ एक रन पूरा किया काफी अच्छे समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए लेकिन आपको 39 गेंदों में 155 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और हल्का सा अपील बैट से बाई सा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में एक आसान सा कैच दे बैठे रायगढ़ के प्लेयर्स रामो और थेबिलियन से बाहर जा रहे हैं क्योंकि आठ विकेट मैच को जयपटना ने पूरी तरह से जबी लेते हुए क्योंकि बंद कर रखे हैं रायगढ़ के पूर्व बल्लेबाज को रायगढ़ के बल्लेबाज पूरे लड़खड़ाते हुए पारी
काफी जिक्र करने वाली बात है कि कुछ टूर्नामेंट में काफी दिलचस्प टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज फोर्स वजह का मिल जाए एमटीसीसी फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच रायगढ़ वर्सेस जयपाटना काफी अच्छे दिन गेम पैंस से टकराते हुए काफी अच्छे फिर कोई रन नहीं अभी भी स्पोर्ट स्कोर 101 लॉस्ट ऑफ 5 विकेट्स 8 विकेट के नुकसान पर 101 जयपाटना का स्कोर सॉरी रायगढ़ का रन गेंद को निकल जाए मिड विकेट की ओर से वहां पर फील्डर पहना था चौथा फील्डर ने फील्ड के दोनों ही बल्लेबाज पूरी आसानी के साथ एक रन पूरा किया इस एक रन के साथ रायगढ़ का उछलता हुआ स्कोर 102 लॉस्ट ऑफ 5 विकेट्स 8 विकेट के नुकसान पर और पूरी तरह से बांध कर गए अफसर से काफी ज्यादा बाहर पांच कैच हुए और काफी अच्छे गेंदबाजी में काफी वेरिएशन ला रहे हैं जयपटना के गेंदबाज काफी चतुराई के साथ कोई आजादी नहीं दे रहे बैट्समैन को खुल कर खेलने के लिए और वहां पर काफी थोड़ी सी आगे निकल कर खेलने चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट कराते हुए और काफी अभी की समाप्ति और इन ओवर 11 ओवर की समाप्त पर टीम का स्कूल स्कोर 102 8 विकेट के नुकसान पर 102 लास्ट ऑफ 2 विकेट्स तो सेकंड मैच होगा कंबलझोर एंड शंकर इलेवन परवर्ती मैच की अच्छी कंबलझोर एवं शंकर इलेवन मधुरी थोड़ी सी गले में खेलने चाहते लेकिन कम नहीं फील्डर के बीच में गेंद को थोड़ा सा गैप्स निकालने में नाकाम गेंद थोड़ी सी हल्का सा फील करते हुए वहां पर दोनों ही बैट्समैन ने काफी अच्छे चतुराई के साथ एक रन अपने स्कोर बोर्ड में तय करते हुए 103 रन 8 विकेट के नुकसान पर 103 लास्ट ऑफ 5 विकेट हालांकि ये मैच रायगढ़ के हाथ से निकलता हुआ लग रहा है क्योंकि अभी तक रायगढ़ को 22 गेंदों में चाहिए 153 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए काफी नामुमकिन लग रहा है क्योंकि अभी तक 7-8 विकेट खो चुके हैं रायगढ़ 104 रन पर एक मुश्किल स्थिति में गुजरते हुए रायगढ़ के पूरी टीम जो कि कंदल जरकन मेमोरियल टीम क्वार्टर फाइनल और गेंद को निकलता है मिड विकेट की ओर से गेंद बाउंड्री लाइन से वहां पर कोई फिल्टर पहना थे गैप्स में निकलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर दंड बनाते हुए 4 रन के लिए 4 रन के साथ और 6 रन एम्पियर आलोक रंजन पटेल की एम्पियर मनोरंजन भाई जो कि इस मैच को इम्प्लीमेंट करते हुए काफी अच्छे जो कि 6 रन के साथ रायगढ़ का उछलता हुआ स्कोर 110 8 विकेट के नुकसान पर और मानने के लिए प्रयास तो जरूर किए बल्लेबाज क्योंकि गेंद और बल्ले के कोई संपर्क नहीं काफी समय से बाहर और काफी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं काफी वेरिएशन ला रहे हैं गेंद को लाइन और लेंथ रख कर बॉलिंग कर रहे हैं काफी अच्छे असूर होते गेंद काफी नीचे और विकेट पर क्या में कोई रन नहीं और ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्त पर रायगढ़ का स्कूल स्कोर 110 8 विकेट के नुकसान पर सो 5000 पीपल हैव बीन सीन दिस मैच एंड एंटरटेन इन दिस टूर्नामेंट कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट Memorize everybody now to three or glass. God bless you. Gandhiji has made us one and every team is the coming on all people to help you this tournament, Kanishka Memorial Tournament. Many, many thanks to the honorable persons of the Kandulchar. Kenko Mikal the Hell, Squad Lake was again, Hababa again, again, bounded land say, there will be eight public bounded land say, Bahat Sharon Kelly. इन चारों के साथ टीम का कुल स्कोर 114 8 विकेट के नुकसान पर
जो कि मेन एंपियर के रूप में मिस्टर बसंत सबर और वहां पर निकल रहा है गेंद को लंदन की ओर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन के लिए बैक टू बैक सिक्स और काफी दिलचस्प टूर्नामेंट फेल्स बताते हुए ग्राउंड में एंपियर काफी यूज करते हुए आज थोड़ी सी मेज में शोर बसाते हुए काफी एक बड़ा छक्के में तब्दील करते हुए रायगढ़ के बल्लेबाज थोड़ा सा उम्मीद की तरह बढ़ते हुए और काफी अच्छे फील्ड शॉट का बढ़ते पास कोई रन नहीं फिर से कम बैक करते हुए गेंदबाजी जब पटना की ओर से काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 255 रन के विशाल स्कोर खड़े किए स्कोर को पीछा करते हुए 8 विकेट गवा चुके 120 रन पर और कैप्टन ने थोड़ा सा चतुर्य के साथ फंड में एक जो की डिप फंड में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया काफी ऊंचा गेंद खेलते हैं गेंद को लैंड बाउंड के ऊपर से 6 रन क्या बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस मैदान में थोड़ी सी उम्मीद अभी तक वापस चला है क्योंकि रायगढ़ का जो बल्लेबाजी हो रहा है बैक टू बैक सिक्स इस 6 रन के साथ 126 रन 8 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की प्रगति पर रायगढ़ का स्कूल स्कोर 126 लाख का पाई टिकट ये तो उतना नामुमकिन लग रहा लेकिन खेल चौदह गेंदों में चाहिए 130 इस मैच को जीतने के लिए रायगढ़ को लेकिन नामुमकिन लग रहा है क्योंकि अभी भी गेंद 14 गेंद है और काफी अच्छे जो कि थर्ड कंसल में खेल जाता है गेंद को वहां पर फील्डर पहला था लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड हुई वहां पर मिड विकेट की ओर से जो कि वहां पर दोनों ही बल्लेबाज ने काफी मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए एक रन जोड़ा अपने स्कोर बोर्ड रोटेट करते हुए 127 विकेट के नुकसान पर और रिवर्स ट्यूब में गेंद को निकाल रहे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए तेरह ओवर की समाप्त पर फुल स्कोर रायगढ़ का 133 133 आठ विकेट के नुकसान पर পরবর্তী ম্যাচটি অতি কাম্বুজার এবং শঙ্করী লেবের মধ্যে যেটাকে প্রথম ম্যাচটি জানা রয়েছে রায়গড়া এবং জয়পাটনার মধ্যে যেটাকে জয়পাটনা বর্তমান বিজয় হবার অবসরে অগ্রসর অনেক বর্তমানে একটা সুন্দর ম্যাচটি জানা রয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ 133 রান 8 উইকেট বিনিময়ে গেন্দ পরিষ্কৃত ভাবে গেন্দ ক্লিয়ার করা চাইছিল কিন্তু লং ড্রাইভ খেলাড়ির পাখরে বল আর বহু সুন্দর ভাবে গোটেকে অক্তিয়ার করে নবম উইকেট পতন হয়েছে বর্তমানে 133 রান 9 উইকেট বিনিময়ে 133 লাস্ট অফ 9 উইকেট आखिरी बल्लेबाज जो कि मैदान पर पहुंच चुका है इमेज काफी आखिरी वो थोड़ी सी हल्का सा अपने कोई थोड़ी सी जानबूझकर छोड़ दिया विकेट कीपर का दोस्ताने में कोई रन नहीं अभी भी स्कोर टीम का वह स्कोर 133 9 विकेट के नुकसान पर
जो कि अभी 124 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, उतना नामुमकिन बात है क्योंकि वहां पर जो कि इस मैच रेगड़ा की टीम से निकलता वह एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आर एम्पायर मनोरंजन भोई ने व्हाइट कराते हुए इस एक रन का इजाफा 134 9 विकेट के नुकसान पर 134 लास्ट ऑफ फोर्टी टू। कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट जो कंदलदोर एसोसिएशन क्रीड़ा सदस्य मान को मोर अनुरोध आपण मैंने जोड़े कमिटी स्टेज पाक आसतु अर्गानाइज समस्त सदस्य मान को अनुरोध आपण मैंने जोड़े कमिटी स्टेज पाक आसतु आज मुख्य अतिथि आम घर किसी समय मत उपस्थित हे ऋषिकेशन गहिर LIC सब डिविजनल मैनेजर ऑफ भवानी पटना मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस एरिया किसी समय मध्य से आम गहन उपस्थित हे आम हार्दिक अभिनंदन जनाऊ कमेंट्री बॉक्स तरफ रु धन्यवाद। लास्ट ऑफ 9 विकेट जो कि 164 9 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग्स का अच्छे गेंद लेकर आया मिस्टर लेले और फुलटॉस गेंद तो वहां पर थोड़ा सा हल्का सा पुश करता है गेंद को बनने के समय गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के साथ दिनकर फुल स्कोर
169 स्मित को जय पटना ने काफी एक बड़ा स्कोर बड़ा जो रेलो से जीत लिया है। जय पटना काफी अच्छे बैटिंग करते हुए 255 रन के विशाल स्कोर खड़े किए थे। स्मित को जय पटना ने काफी एक बड़ा रनों में तब्दील करते हुए जीत करते हुए वर्तमान जो देखे कैंडल जोर क्रिकेट एसोसिएशन तरफ रो जो देखे कनिष्ठ मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 बहुत सुंदर भाव में उद्यापित होती जो क्वार्टर फाइनाल मैच टी जो जारी रही जय पटना एवं रायगढ़ मध्य जय पटना बहुत सुंदर भाव में अति चित्ताकर्षक मैच जारी रखते अंतिम से विजय हासिल होती परवर्त मैच को जो उत्तीर्ण होती जोटा कि आज जो मैच मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जो विशिकेशन भाई एल आई सी सब डिविजनाल मैनेजर भवानी पटना क्लब एजेंट द मोस्ट ऑल पॉपुलर ऑफ दिस एरिया जो कि ये अंचल गोटे जनाशुना व्यक्ति तत्सहित गोटे दिग्दर्शन और मार्गदर्शिका जहाँ आज किसी बहुमूल्य समय को अतिवाहित कर आज कानीजर ग्राम एक नक जोटा कि कनिष्ठ मेमोरियल एक मेमोराइज टूर्नामेंट योगदान दे कमिटी तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन कर अंतिम क्वार्टर लीग को जय पटना दल विजय हासिल कर रायगढ़ दल टूर्नामेंट रु विदाय द्वितीय जो क्वार्टर लीग टी आरंभ हम किसी समय मध्य बादलदार क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस शंकर इलेवेन ए ग्राउंड रे घरोई दल तर अभिज्ञता साउटिव एक शक्तिशाली दल पाखर कानून क्रिकेट एसोसिएशन तार एक युव दल को नहीं द्वितीय मैच रे एक शक्तिशाली दल को सामना करने कि भाव में एक शक्तिशाली दल को सामना कर एक घरे दल एवं निज एरिया अंचल दल से सपोर्ट देवाप बहु संख्य रही देखा एक चिताकर्षक मैच आपण अंचल टीम आज एक शक्तिशाली टीम को देखा जाऊ लीग रटल लीग रैन अफ दि मैच भाव में राजा प्रवेश कर राजा को शतक सहायता रायगढ़ को शोचनीय भाव परास्त कर जय पटना दल बर्तमान आम अनुरोध कर राजा जी की मैन अफ दि मैच आज मैन अफ दि मैच निश्चित भाव में धन्यवाद।
ऑनलाइन चली जाएगा। ए पूरा स्कोर कार्ड ऑफ कर देते कि नहीं वो।